टीम इंडिया के एक खिलाड़ी ने खराब प्रदर्शन की सभी हदें पार कर दी हैं, जिसके बाद टीम मैनेजमेंट उनके विकल्प के बारे में सोचने पर मजबूर हैं। जल्द ही टीम इंडिया में से बाहर बैठना पड़ सकता है इस खिलाड़ी को। जी हां, हम बात कर रहे हैं ऋषभ पंत की, जिनका एक मुकाबले में विनिंग प्रदर्शन रहता है जबकि दूसरे मुकाबले में फ्लॉप साबित हो जाते हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में 3 मैचों में ऋषभ पंत ने 85 रन बनाए थे। इस दौरान उन्होंने 11, 18 और 86 रन की पारी खेली। T20 सीरीज के पहले मैच में भी पंत 8 रन बनाकर आउट हो गए थे और उनका यह खराब प्रदर्शन ही टीम मैनेजमेंट को विकल्प के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर पंत की जगह कौन सा खिलाड़ी ले सकता है, तो इसमें पहला नाम केएल राहुल का आता है। केएल राहुल टीम इंडिया में वनडे और T20 में विकेट कीपिंग में काफ़ी कमाल कर चुके हैं। केएल राहुल को टीम इंडिया में विकेट कीपिंग और बल्लेबाजी में काफ़ी कामयाबी मिली है, जिसके कारण अब उनको IPL 2022 में लखनऊ टीम का कप्तान बनने का मौका भी मिला है। ऋषभ पंत को टीम मैनेजमेंट ने लगातार मौके दिए हैं, लेकिन पंत ने विकेट कीपिंग और बल्लेबाजी में उतना प्रभावित नहीं किया जितना उनको करना चाहिए था। अब देखना यह है कि क्या ऋषभ पंत आगे अपने अच्छे प्रदर्शन से टीम मैनेजमेंट को प्रभावित कर पाते हैं या उनको टीम इंडिया से बाहर बैठना पड़ सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।